टीकमगढ़ से है। यातायात पुलिस ने दी स्कूली बच्चों को यातायात की जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में आज मंगलवार को टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर करीब 20 छात्र छात्राओं के साथ वाहन चेकिंग लगाई गई। ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से की जा रही इस कार्रवाई में सूबेदार आर्या पराशर एवं सूबेदार कुलदीप मिश्रा द्वारा बच्चों को ट्रैफिक के नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धाराओं व शुल्क के बारे में जानकारी दी गई। ब्रेथ एनालिसर भी दिखाया। बच्चों द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की वाहन चलाने व वा तीन सवारी न बैठाने की समझाइश दी। इसके बाद में सूबेदार पराशर के नेतृत्व में चलानी कार्रवाई की गई। इस चलानी कार्रवाई में 7 वाहनों के चालान काटे गए एवं 20,000 समन शुल्क वसूल किया गया। इस कार्रवाई में सूबेदार कुलदीप मिश्रा आरक्षक परवेश कृष्णकांत अफरोज व ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा बच्चों को थाना कोतवाली का भ्रमण कराया गया जिससे उन्हें पुलिस की कार्य प्रणाली समझने में मदद मिली। अस्पताल जा रहे थे, क्या होगी 3 लोग बैठा के जा रहे थे भैया, एक पीछे पकड़े हैं। अच्छा पकड़े हैं, एम्बुलेंस नहीं होती, वो घायल है, अगर उनके बस की नहीं है तो आपको टैक्सी वाली लेनी चाहिए थी। बात तो बराबर है ना, तो अगली बार से ध्यान रखो, खुद का ख्याल रखो और बाकी लोगों का भी ख्याल रखो। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट।